सो गाइस, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले यहाँ पे कंपेयर करने वाले YouTube वर्सेस TikTok वीडियो कि यहाँ पे YouTube बेस्ट है या TikTok बेस्ट है, किस पे हमको काम करना चाहिए जो हमारा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में अपना ओपिनियन देने वाला हूँ और आप लोगों का क्या राय होगा और आप लोगों को कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट लगा और कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस, अगर आप भी जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को देखते रहो लास्ट तक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट विजिट कर रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी जानकारी वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं TikTok के बारे में कि TikTok है क्या। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहली बात तो मेरी समझ लो, TikTok पे है क्या। यहाँ पे जब आप वीडियो बनाते हो तो जब आपकी वीडियो वायरल होती है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो, तब यहाँ यानी कि जैसे आप लाइक आपके 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा आपको फेमस हो जाए, आपको पॉपुलरिटी मिलती है TikTok से। जब आपके इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आपको क्या होता है, ब्रांड आपको उससे कॉन्टेक्ट करती है, उसके बाद अर्निंग होता है। यहाँ पे आप सोचोगे कि यार मेरे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख इतने सब्सक्राइबर हो गए, यानी सॉरी फॉलोअर्स हो गए और फिर मेरे अर्निंग होने लगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपके कंटेंट के हिसाब से और आपके आपके व्यूज़ के हिसाब से और आपके फॉलोअर्स के हिसाब से वहाँ पे ब्रांड प्रमोशन मिलता है। वहाँ पे TikTok पे है क्या, आपको शुरुआती पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। बात यहाँ की 1 रुपये तक भी आपको TikTok से पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगे, जब बहुत ज़्यादा आपके व्यूज़ आने लगेंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तब क्या होती है, जो कंपनी होती है, जैसे कि लाइक कोई भी हो गया कंपनी, सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एप्लीकेशन, वो क्या होती है आपसे कॉन्टैक्ट करती है, आपके इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी TikTok पर मैसेज करती है, और आप फिर उसके ब्रांड को प्रमोशन करते हो अपने ID पे, तो वो कंपनी आपको पैसे देती है $200-400 जैसा उसका प्रमोशन हो, उस टाइप से आपको पैसे देती है TikTok से ही है। और बात करें यहाँ पे मेहनत की, तो TikTok में आई थिंक उतना मेहनत ऐसा बात नहीं है, नहीं लगता, लगता है आपको मेहनत लगता है, लेकिन आई थिंक YouTube के मामले से कम लगता है, क्योंकि ये TikTok पे है कि आपको यहाँ पे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड का वीडियो बनाना होता है। यहाँ पे किसी का वीडियो उठाओ, लिपसिंग कर दो, एक्टिंग कर दो, चलो हो गया, यानी कि इतना लगता है आपको, इतना मेहनत लगता है, तो इतना मेहनत के बाद आपके वीडियो एक कंप्लीट होता है। तो गाइस, यानी कि TikTok का कुछ फंडा इसी तरह, और यहाँ पे TikTok पे फेमस होने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हो और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपके जान पहचान होने लगती है। तो गाइस, ये था यहाँ पे यानी TikTok का ये था यानी इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं YouTube के बारे में, YouTube में एक्चुअली है क्या। तो गाइस, YouTube में बहुत से भाइयों को पता नहीं कि YouTube से हमको पैसे मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, YouTube से भी पैसे मिलते हैं, YouTube से भी फेमस होते हैं और YouTube से भी हर कुछ होता है। कैसे, अभी बात करते हैं। अगर आप YouTube पे आते हो तो YouTube पे आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, पैसे यहाँ पे पता है पैसे मिलते हैं, यहाँ पे शुरुआती इसमें भी पैसे नहीं मिलते। इस पर होता क्या है, आपको यहाँ पर अब जब YouTube में न्यू चैनल क्रिएट करते हो, यहाँ पे क्या होता है, इसका एक टारगेट होता है, इसका एक क्राइटेरिया होता है, जिसका हो ना यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटा, यानी 4000 घंटा यानी कि आपके वीडियो पे आपकी वीडियो को देखा जाना चाहिए, जैसे कि आपको यानी 12 महीने में। तो अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो क्या होता है, आपका ID, आपका चैनल होता है मोनेटाइज। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो गाइज, आपका अगर वीडियो वायरल होता है, आपकी वीडियो चलती है, व्यूज़ आता है, तो यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फेमस की। तो गाइज, यहाँ पे फेमस इस पर हो सकते हो, जैसे कि क्या, अगर आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए तो आप भी इस पर फेमस हो सकते हो, जिस तरह TikTok में फेमस होते हो उस तरह। लेकिन क्या, TikTok से मामले YouTube में पैसे भी मिलते हैं, इसमें पॉपुलरिटी भी मिलती है, अगर आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हो, कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आए हो TikTok यानी कि YouTube पे, तो आप भी यहाँ पे भी फेमस हो सकते हो, यहाँ से पैसे कमा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि YouTube में प्रमोशन नहीं मिलता है, YouTube में भी आपको ब्रांड प्रमोशन करती है आपके ID से, यानी आपके ID पर मैसेज करती है आपको प्रमोशन के लिए, आपको प्रमोशन मिलता है, YouTube पे मिलता है, TikTok पे मिलता है। लेकिन YouTube के यानी कि TikTok के मामले YouTube पे ज़्यादा मेहनत लगता है। अब आप सोचोगे कैसे, क्योंकि यार TikTok में 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं, हमको या कैमरा यहाँ लेके जाना पड़ता है, वहाँ लेके जाना पड़ता है, यानी टॉपिक सोचना पड़ता है। तो गाइस, YouTube में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। कैसे, आप सोच रहे होंगे, तो YouTube में मेहनत कैसे लगता है, जो कॉमेडी चैनल हो गए वो सब के लिए, क्योंकि अगर आप जैसे कि बनाते हो TikTok पे, तो वहाँ आपको 10 से 15 सेकंड का ही आप वीडियो बनाते हो, लेकिन जब आप YouTube में बनाते हो, आपको यहाँ पे 10 मिनट से प्लस वीडियो बनाओ तो यहाँ पे अच्छा लगता है।
लाइक आप लोग देख लो, अमित बड़ाना सर यहाँ पे, फिर और राउंड टू हेल वाले और वन वम, ये सब के देख सकते हो आप लोग वीडियो, जो कि एक वीडियो लाने में यहाँ पे महीनों दो महीने तक लग जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइस यहाँ पे टिकटॉक के मामले यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं। अगर टिकटॉक अगर इतना है तो यूट्यूब इतना है, आप लोग समझ सकते हो। यानी कि यूट्यूब के भी यूज़र्स की बात करें यूट्यूब में, यानी कि यूट्यूब 100 गुना है तो टिकटॉक 1 गुना है। यानी कि टिकटॉक है ना, यूट्यूब का कंपेयर नहीं कर सकते, उसके बराबरी में नहीं आ सकता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो गाइस यहाँ पे दोनों के बात करें तो दोनों में से बेस्ट है। यानी कि सब अगर पैसे भी कमाना चाहते हो और फेमस भी होना चाहते हो तो यहाँ पे यूट्यूब बेस्ट है। लेकिन पता है, अगर टिकटॉक पे आपको फेमस बहुत जल्दी हो सकते हो, इसमें यूट्यूब में आपको कोई गारंटी नहीं है कब आप फेमस हो कब सक्सेस हो। लेकिन अगर आप टिकटॉक पे मेहनत करते हो, टिकटॉक पे ज़्यादा वीडियोस बनाते हो, आपकी वीडियो वायरल होती है, फेमस होते हैं, तो आप टिकटॉक के जरिए यूट्यूब पे आ सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे जितने बड़े क्रिएटर हैं सब यूट्यूब पर ही आते हैं। तो आप समझ सकते हो जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे YouTube ही बड़ा हुआ ना, तो यहाँ पे YouTube भी बेस्ट है। और इनकी TikTok हो, TikToker हो या कोई सा भी बंदा हो, सब YouTube पे ही यहाँ पे आते हैं। तो गाइस आपके हिसाब से आपको जो बेस्ट लगे वो कर सकते, क्योंकि TikTok पे फेमस से बहुत जल्दी आई थिंक होते हैं लोग, इसीलिए लोग TikTok को यूज़ करते हैं। तो गाइस यानी TikTok को यूज़ करके आप YouTube पे आ सकते हो। लेकिन अगर YouTube पे शुरुआती से करते हो, आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। आप TikTok के ज़रिए, YouTube के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए आप YouTube पे आ सकते हो, YouTube पे अपना टैलेंट दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पे YouTube में क्या है, आपको यहाँ पे हर चीज़ की आपकी कदर होती है। YouTube अब वैसा नहीं, TikTok में नहीं होती, वहाँ पे भी होती है, लेकिन कुछ क्रिएटर, जैसे कुछ क्रिएटर जो कंटेंट क्रिएटर तो होते हैं वो वहाँ पे यानी कि YouTube में क्या, आपका कंटेंट अगर क्रिएटर हो तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, फेमस होती है, जानकारियाँ जान पहचान होती है। या फिर TikTok में है क्या, लिपसिंग करते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो गाइस YouTube के मेरे TikTok के मामले YouTube बेस्ट है। यानी कि TikTok बस समझ लो ही 100 गुना में से 1 गुना है TikTok। जो भी TikTok यूज़र्स हैं, जो भी सब बंदे यानी कि TikTokers हैं, सब YouTube पे ही वीडियोस बनाते हैं, आप लोग वीडियोस देखे होंगे। तो गाइस आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोगों का राय क्या है वो मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप लोगों को बार की तरीके से समझ गए होंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। तो और फ्रेंड्स आप लोगों का कुछ भी सवाल हो, मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हो, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ तक मुझे क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपको किसी इसी तरह के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।